और एंट्री हो चुका है हर हर महादेव। हेलो सर, हाउ यू? क्या बात है भाई। हेलो मैडम, हाउ यू, आर यू गुड? तो भाई स्वागत है इंडोनेशिया के बाली में। बाली हमें ये वीज़ा मिल गया, ठीक है। ये देखिए इस कुछ इस तरह से है। स्वागत है इंडोनेशिया में मेरे दोस्तों, बाली में। लाखों के नोट है ना, कितने लाख है बाबा, करोड़पति में बन गया या लखपति? अभी तो लखपति बन गया, अभी कुछ दिन में करोड़पति बन जाऊंगा यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। तो फिलहाल दोस्तों मेरी हांगकांग की यात्रा जो है पूरी तरह समाप्त होती है और फिर एक नए देश की यात्रा पे मैं निकल रहा हूं, इंडोनेशिया। जी हां, इंडोनेशिया के बाली में। पता ना, मैं हांगकांग से अपनी फ़्लाइट बुक कर रखा है इंडोनेशिया के लिए। हांगकांग के एयरपोर्ट पर आ गया हूँ मैं, जो कि यहाँ से फ़्लाइट जो है आपको काफ़ी चीप पड़ता है और यात्रा आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। और वैसे तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल है, वैसा वीज़ा फ्री नहीं है, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैं इंडोनेशिया पहुंच रहा हूं और इंडोनेशिया क्या क्या प्रोसेस है भाई, वो भी चलिए आगे बताते हैं। अभी मेरा इमिग्रेशन हुआ नहीं है, तो एक घंटा मैं पहले अभी एयरपोर्ट पे हूं और इमिग्रेशन जैसे स्टार्ट होता है फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रोसेस है हांगकांग से इंडोनेशिया जाने का। तो चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली मेरा इमिग्रेशन कम्प्लीट हो गया। वैसे इमिग्रेशन में कुछ ऐसा कुछ भी पूछा उसने, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो क्या नहीं। उन्होंने टिकट देखा, टिकट दिखाया और भाई वो जो एक मिलता है ना, जब आप हांगकांग आते हो तो आपको एक टोकन टाइप में मिलता है जो इमिग्रेशन फॉर्म होता है जिसे भरा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत खोना भाई, वो बिल्कुल वो देखते हैं। तो कुछ पूछताछ नहीं हुआ। अब उसके बाद से ढाई घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, तो फिलहाल मैं ढाई घंटे यहीं पर बैठता हूँ, उसके बाद से मैं इंडोनेशिया बाली में पहुँचता हूँ। तो चलिए अभी अपनी फ़्लाइट तो पकड़ते हैं, फिर इंडोनेशिया पहुँचते हैं। और हांगकांग का एयरपोर्ट ये रहा, काफ़ी प्यारा। थे तो हमें एक भाई मिले हैं अपने यूपी बिहार के भाई हैं अपने। तो एक्चुअली इन्होंने ना मुझे एक चीज़ ऑफ़र किया, एक्चुअली क्या था ना, वो लॉन्स क्रेडिट इंटरनेशनल कार्ड, ठीक है। तो वो अगर आपके पास है तो आप एयरपोर्ट में फ्री फूड खा सकते हैं। जी हाँ, है ना बराबर, तो फ्री फूड खा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं। तो हम ना यहाँ पर आए और भाई देखो यार ना क्या ही ख़तरनाक खाना है। और भाई ने भी है, ओ भाई बिस्की भी है और अंडे वंडे सारे हैं यहाँ पर, और ये नमकीन भी है। मैंने ये चीज़ें देखो, ये खाना ले रखा है, अभी खाते हैं इसे। या इसको पकड़ोगे आप, ठीक है। अब क्या है लॉन्च में सिस्टम, अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तभी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। पहले खाने से पहले आपको दिखा देता हूँ बाबा, खाने से पहले दिखा देता हूँ क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ से एंट्रेंस यहाँ पे आता है और उसके बाद ये ना क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये सैलेड है, सलाद का सिस्टम है। और यहाँ यहाँ पे और देख सकते हो आप यहाँ पे क्या क्या है। ये चिकन का माल है भाई, चावल है और सब, और चावल के साथ साथ ये भी फिश मछली वाली माल है भाई। ये भी देखो, ये मछली की माल है और ये अंडे की भाई सिस्टम है। ये चीज़ें यहाँ पे बाकी यहाँ पे मज़े से खा सकते हो एयरपोर्ट पे रुक के और मज़े कर सकते हो भाई। और वैसे भी आपको पता है कि एयरपोर्ट पे खाने कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो भाई ने मेरे से बोला तो मैं बोला ठीक है भाई, क्यों नहीं, अब चलेंगे थोड़ा फूड का आनंद लेते हैं। तो भाई थैंक यू वेरी मच खाने के लिए यार। तो भाई चलिए खाने का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद से अपने जर्नी का आनंद लेते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना फूड यहाँ से। तो सबसे पहले भाई हम चिकन ट्राई करते हैं, चिकन ट्राई करते हैं, देखें कैसा है भाई। भाई चिकन तो काफ़ी अच्छा है भाई। भाई हांगकांग का एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, खाने में कोई संदेह नहीं है भाई, खाना यहाँ का बहुत अच्छा मुझे लगा हांगकांग का। बाबा एक नंबर का फूड है यहाँ पे, एक नंबर का। अब देखो है ना भाई, हांगकांग का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा अंडा तो मैंने नहीं खाया, मैंने बहुत सारे देखे लेकिन मैंने खाया। ये देखो आप, ये बॉयल किया हुआ अंडा है, इसको खोलो जरूर, आप खोल के दिखाते हैं ना। तो थोड़ा सा टेस्ट अलग है ना, जिसमें हम लोग ऐसे नॉर्मल पानी में बॉयल करते हैं, पर इनका क्या सिस्टम रहता है यार, हर देश का अलग अलग खाने का स्वाद रहता है ना। अब देखो ये अंडा है इनका, ओ बाबा क्या बात है, अलग ही दिख रहा है भाई। चलो खाने का मज़ा लेते हैं। इसके लिए और एयरपोर्ट पे मतलब जो खाना खाया गया ना, अगर जो कैश दे के खाते तो हमें लगता है 3000 से कम नहीं देना पड़ता है ना। गजब एक्सपीरियंस रहा भाई, बहुत अच्छा। चलते हैं फ़्लाइट के लिए, क्योंकि वहाँ 50 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद से हमें फ़्लाइट पकड़ना अपना, नहीं तो खाने के चक्कर में कहीं फ़्लाइट ना मिस हो जाए बाबा। तो दोस्तों फ़िलहाल अपना बोर्डिंग अपना
चालू हो गया है और चलते हैं फ्लाइट में। थैंक यू। तो भाई अब चलते हैं फ्लाइट में, बैठते हैं, बोर्डिंग कंप्लीट, इमिग्रेशन कंप्लीट और फ्लाइट में बैठते हैं। फ्लाइट के रास्ते से जस्ट चल दिए हैं फ्लाइट के लिए। ये अपनी फ्लाइट सामने दिख रही है, आई थिंक दिख रही है, नहीं दिख रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे दिख रही है ना, इंडिगो की तरीके से ही है, लेकिन नहीं यार उससे बड़ा है, सॉरी इंडिगो से बड़ा है वी जेट एयरलाइन है वी जेट। और एंट्री हो चुका है हर हर महादेव। हेलो सर, हाउ यू? क्या बात है भाई। हेलो मैडम, हाउ यू, आर यू गुड? अरे वाह क्या बात है यार, क्या सामान है। कैन यू प्लीज सर? थैंक यू। तो भाई अपनी सीट यहाँ पे है, बैठते हैं पहले फिर करते हैं बातें। तो गाइस फाइनली मैं अपने ना सीट पे बैठ चुका हूँ और फ्लाइट जस्ट टेक ओवर होने वाला है, तो महज कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। और मैं बड़ा लकीस्ट रहता हूँ फ्लाइट में हमेशा, कि मुझे हमेशा विंडो की सीट मिलती है बाबा। अब मुझे ना विंडो सीट से बहुत प्यार रहता है भाई, चाहे बस हो गया, बस की यात्रा करना, टैक्सी, कुछ भी, किसी भी साधन की अगर मैं यात्रा करता हूँ ना, मुझे विंडो सीट बहुत प्यारा लगता है भाई। और ये फ़्लाइट है अगर जो आप, एक्चुअली मेरी फ़्लाइट जो है ना वो वियतनाम यानी होचीमन सिटी लैंड होगी, फिर उसके बाद से कनेक्टिंग फ़्लाइट है, फिर मैं वहाँ से जाऊँगा इंडोनेशिया वाली। जी हाँ, पहले तो मैं वहाँ यहाँ से पहुँचूँगा, वियतनाम पहुँचूँगा। तो ये जो मेरी फ़्लाइट है वी आई जेट, इसकी फ़्लाइट का नाम एयरलाइन है ये वी आई जेट एयरलाइन। हाँ बड़ा थोड़ा सा कठिन लगता है यार, है ना। तो मैं पहुँचूँगा दो घंटे में पहुँचूँगा होचीमन सिटी वियतनाम में। उसके 3 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है इंडोनेशिया बाली। जी हाँ, और ये अपनी फ़्लाइट है, ये देख सकते हैं, ये एकदम इंडिगो फ़्लाइट की तरीके से है, ठीक है। अब ये चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी अपनी फ़्लाइट जो है हांगकांग के आसमान की ऊंचाइयों पे है और इस समय हम करते हैं हांगकांग के बाय बाय हांगकांग और मिलते हैं इंडोनेशिया में। तब तक के लिए बाय बाय हांगकांग और लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नींद और मिलते हैं फिर इंडोनेशिया में। तो अभी के लिए बोलूँगा गुड नाइट गाइस, मिलेंगे एक सुबह इंडोनेशिया में। ओके तो भाई स्वागत है इंडोनेशिया के बाली में। बाली। अब आप सोच रहे होंगे यार चला था तो शाम को ही और रात में ही फ़्लाइट पहुंच जानी चाहिए। तो जी हाँ, एक्चुअली मेरी क्या थी ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, ठीक है दोस्तों, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो मैं निकला था हांगकांग से निकला था, तो वियतनाम होचीमन सिटी में रुका हुआ था 5 घंटे। उसके बाद से 5 घंटे के बाद से मेरी ये फ़्लाइट थी इंडोनेशिया बाली के लिए और मैं बाली जा गया हूँ और 11:15 पर पहुँचा हूँ बाली। अभी बाली एयरपोर्ट पर हूँ मैं। चलिए चलते हैं, वीज़ा वीज़ा के बारे में क्या सिस्टम है लेते हैं वीज़ा, फिर करते हैं यहाँ पे मस्ती भाई। तो बाली पहुँच चुका हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं। और ये देखो जितने टूर एजेंसी वाले होते हैं सामने झंडा लेके खड़ा। आपको यहाँ पे पहले दिख जाती है कहाँ पे इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन का रास्ता किधर जाता है, सारी चीज़ें एक बोर्ड पे मेंशन हो रखा है, आप ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे, और सिंबल्स बने रहते हैं किस डायरेक्शन में आपको जाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों जस्ट एंट्री किया हूँ, यहाँ से एंट्री किया हूँ, अभी यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आया था तो 3-4 काउंटर्स थे यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हेलो ब्रदर, या फिनिश फिनिश। हाँ तो चलिए बात करते हैं ना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 काउंटर लगे हुए भाई, ये सिर्फ वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वीज़ा मिल गया है, हमें ये वीज़ा मिल गया, ठीक है। ये देखिए इस कुछ इस तरह से है, इसे मैंने लिया है $33 में। जी हाँ, $33 में, USD डॉलर में, है ना। तो अगर ये मैडम यहाँ पे आप बैठी रहती हैं, जो मैडम आपसे पूछेंगी कि आप पेड कैसे करना चाहते हैं, कैश पेड करना चाहते हैं या कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, है ना। तो बाकी कुछ पूछती नहीं है, बस पासपोर्ट दिखाओ, उसके बाद से इन्होंने वीज़ा का स्टिकर दे दिया, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल रिसिप्ट दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद से हमें चलना है इमिग्रेशन पे, उसके बाद से फिर हम वहाँ पे क्या होता है वो आपको बताते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं ना इमिग्रेशन कराने के बाद से
एक यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ भाई, ये है इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको अपना नाम देना था, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और जो भी है, मतलब फ्लाइट नंबर, कहाँ आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने के बाद से, फिर उसके बाद आपको ये मिलता है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। अब ये मिलने के बाद से उसके बाद से एग्जिट पॉइंट में फिर हमें जाने देते हैं। और देखिए कैसे लाइन लगा हुआ है, अभी तो काफ़ी लोगों ने लिया ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी वहाँ पे लाइन में चला गया था एग्जिट लाइन पे, लेकिन फिर वहाँ से वापस आना पड़ा बाबा कि मुझे ये लेना है यार, इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा इमिग्रेशन कम्प्लीट रहा। इमिग्रेशन बहुत ही नॉर्मल सा था, कुछ पूछताछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और वीज़ा की बात करें तो वीज़ा बहुत ही ईजी से मिल जाएगा, आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, बस मुश्किल से मुश्किल आपको $33 पे करने पड़ेंगे, USD डॉलर की बात करते हैं। और अगर उसकी बात करते हैं, अगर जो इंडोनेशिया की करेंसी की बात करेंगे तो आपको 5 लाख रुपीस देना पड़ेगा। हाँ, इनकी करेंसी रुपीस है, अगर 1 रुपीस की बात करें तो 185 रुपीस होते हैं, ठीक है। और ये जस्ट एग्जिट हो गया भाई, तो वेलकम इन बाली, कवान मचाएंगे, तमान मचाएंगे यहाँ बाली में। वेलकम इन बाली एवरीवन। तो सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगा वेलकम इन बाली। तो भाई बाली में पहुंच गया हूँ, ये रहा अपना बाली इंडोनेशिया, काफ़ी प्यारा है भाई। ओहो, क्या बात है भाई यार, ये इनका पोशाक देखो कितना अच्छा है यार, ये माथे पे पट्टी बांधना और ये कपड़े लुंगी धोती लपेटना। हेलो ब्रदर, नाइस ड्रेस। ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, चलते ये ड्रेस खरीद लेना ऐसे ही तुरंत, इसी को पहन के पूरे इंडोनेशिया में भावकाल टाइट करके घूमते रहना है ना, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है यार इंडोनेशिया, जैसे लग रहा है कि पूरे हरे भरे जंगल में आ गया यार, अभी तो ऐसा लग रहा है यार। एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा ही है यहाँ का। और भाई जिसके जो रिलेशंस वाले हैं और जो टूर पैकेज ले रखे हैं उनको ये बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे कैसे यहाँ पे इस तरह से, काश मेरा भी कोई इंतज़ार करता इंडोनेशिया में, पर कोई बात नहीं यार, अकेले ही मज़ा है जीवन का, जीवन का असली मज़ा अकेले में ही है ना। तो फिलहाल ये रहा एग्जिट पॉइंट का गेट। हेलो, हाउ आर यू, गुड। तो भाई लोग एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी वाले खड़े थे सारे, ठीक है, बस का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी देखा था बस का सिस्टम, लेकिन बस का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है। तो टैक्सी से बात किया तो टैक्सी वाले 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपीस मांग रहे थे, ठीक है, इंडोनेशियन करेंसी मांग रहे थे, इंडोनेशियन करेंसी। तो भाई को मैंने ना एक ये स्कूटी बुक किया बाबा का, इस भाई ने मांगा है मेरे से 1,80,000 रुपीस। ये मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ेगा भाई, और काफ़ी मज़ेदार। पर अभी ना गर्मी पड़ रहा है बड़ा तगड़ा इस इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की ये है एयरपोर्ट के पास की सिटी, जो कि काफ़ी हरी भरी दिख रही है बाबा। इंडोनेशिया में आके अपनी करेंसी एक्सचेंज कराया था, वहाँ से USD 100 USD चेंज कराया था, और उसके बाद से 20 मैंने हांगकांग डॉलर चेंज कराया था। तो भाई साहब इस समय मैं लखपति हूँ बाबा, लखपति हूँ मैं, मेरे पास इस समय है 17 लाख रुपए हैं, 17 लाख रुपए इंडोनेशिया। अब देखो यहाँ की जो 1 लाख के नोट होते हैं ना बाबा, ऐसे होते हैं भाई। अब देखो ये सारे लाखों के नोट है ना, कितने लाख है बाबा, करोड़पति में बन गया या लखपति, अभी तो लखपति बन गया, अभी कुछ दिन में करोड़पति बन जाऊंगा यहाँ पे। अब देखो ये 50,000 के ये सारे नोट है ना, इतने खतरनाक है भाई, तो इतने नोट हमारे पास हो गए इंडोनेशिया में, तो पूरे मजे कर देंगे भाई इंडोनेशिया का। और भाई यहाँ पे एक्सचेंज कराना है आप तो एयरपोर्ट से बाहर ही कराओ, एयरपोर्ट से बाहर मैंने एक्सचेंज कराया है, इतने गड्डी मिले हैं पूरे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में कर्जा उड़ा देंगे बाबा इतने नोट में। चलिए आगे चलते हैं। और भाई यहाँ पे ये करेंसी एक्सचेंज वाले भाई हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर आओ, उसके बाद से करेंसी एक्सचेंज कराओ, अच्छा रेट मिल रहा है यहाँ पे एक्सचेंज कराने का, US डॉलर ही एक्सचेंज कराइए आप। चलिए फिर चलते हैं, मजे करते हैं, गर्दे उड़ाते हैं।